जय श्री राम, इस नारे के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जहां एक तरफ भगवान श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से अपने महलों में आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे बड़े शहरों में और छोटे बड़े मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही और शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ वीडियो। प्राण प्रतिष्ठा श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती और सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसके उपरांत यहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसी शोभा यात्रा में हम सब शामिल होंगे और समाज के कुछ और लोग भी शामिल होंगे जिन्हें अपने प्रभु में आस्था है, अपने भक्ति में विश्वास है, वो सब इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस शोभा यात्रा में कुछ ऐसे दृश्यों को जो मन मोह लेता है। पूरे विधि विधान से की जा रही ये पूजा प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के 22 जनवरी में अयोध्या में आने वाले अपने महल में, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भी इसी प्रकार से किया गया ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। सुबह यात्रा निकलने के लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। अब भगवान को उस मंदिर से उठा करके कुछ लोग यहाँ पे लेकर आएंगे जहाँ पे सजाया गया है, ये दरबार रखा जाएगा। उसके बाद यहीं से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और नगर में शहर में घूमते घूमते फिर वापस पुनः अपने स्थान पर लाई जाएगी। शहर में निकाली गई बीचों बीच ये शोभा यात्रा भगवान श्री राम के प्रति हृदय भाव को व्यक्त कर रहा है। साथ ही साथ इस शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के भक्त में लीन सब लोग अपने आप से ही जुड़ते चले गए। ये किसी रैली से कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम के नारे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, फिर किसी और ऐसे ही चीज़ों के साथ में, ऐसे ही वीडियो के साथ में। नमस्कार।